लर्निंग विद अ डिफरेंस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 16 फरवरी की स्कूल प्रार्थना सभा के लिए हिंदी समाचार, राष्ट्रीय समाचार। कैच देम यंग, इसरो ने की स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम की घोषणा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया। पीएम मोदी और कतर के अमीर के बीच द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार, निवेश, ऊर्जा क्षेत्र में बनी सहमति। अजित पवार गुट के विधायक अयोग्य नहीं, स्पीकर ने सभी याचिकाओं को खारिज किया। राज्यसभा नॉमिनेशन के बाद सोनिया गांधी की रायबरेली को चिट्ठी। चयनित पटवारियों को जल्द नियुक्ति देगी एमपी सरकार, भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट। दिल्ली में किताबों का मेला जारी, बहुभाषी भारत की थीम पर कई कार्यक्रम आयोजित। महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। मराठा आरक्षण को लेकर 20 फरवरी को होगी चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय समाचार, पाक सेना को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा व्यवसायों के बजाय रक्षा संबंधित मामलों पर ध्यान केंद्रित करें। पीएम मोदी ने कतर के शासक को भारत आने का न्योता दिया, भारतीय नौसैनिक की रिहाई पर धन्यवाद कहा। पाकिस्तान चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने सीट छोड़ी, कहा मुझे जिताने के लिए धांधली की गई। और अब खेल संबंधित समाचार, रोहित और जडेजा के शतक से संभला भारत पहले दिन। टीम इंडिया का स्कोर 326/5। T20 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी करेंगे रोहित शर्मा, BCCI सचिव जय शाह। अफगानिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद नबी वनडे की ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचे। बिजनेस संबंधित समाचार, जनवरी 2024 में व्यापार घाटा कम हुआ, निर्यात में सालाना आधार पर 3 का इजाफा। ईडी ने पेटीएम के अधिकारियों से की पूछताछ। और भारतीय और चाइनीज कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा यूरोपीय संघ, रूस की मदद करने का आरोप। बोइंग डिफेंस इंडिया के एमडी बने निखिल जोशी। मंदी की चपेट में जापान, इकोनॉमी 4th नंबर पर पहुंची। जनवरी में डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक 1.25 करोड़ रहा। और समाचार में बस इतना ही, धन्यवाद।